अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज 13 मई है और लॉकडाउन लगा हुआ है और ईद उल फितर है आज। और जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा, हम एक कज़न के घर गए थे। एक्चुअली हमें काफ़ी लेट पता लगा था कि आज ईद होगी या नहीं, तो 11:30 बजे शायद अनाउंस हुआ था, तो हम चले गए थे कज़न के घर। और फिर बाद में हमने थोड़ा सा जो है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद निकले थे, तो थोड़ा इंजॉय वगैरह किया। तो अभी जो है चाचू का ही वेट कर रहा हूँ मैं और कज़न का, फिर बाद में वो आएंगे तो फिर हम ईद की नमाज़ पढ़ने चलते हैं। तो ये है मेरे फादर, इनसे मिलिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, ईद मुबारक। खैर मुबारक, जल्दी तैयार हो जो, ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है। बस हम चाचू का वेट कर रहे हैं, वो आने वाले हैं, फिर जो है हम चलते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए इंशाल्लाह। तो गाइस ये चाचू आ गए हैं और कज़न, और इस वक्त हम ईद की नमाज़ पढ़ने बस जाने लगे। ये है हमारे राशिद चाचू, जिनके बेटे के साथ कल कज़न जो है मेरे, जिनके साथ कल व्लॉग में आए थे वो। तो गाइस ये हम मस्जिद पहुंच चुके हैं और ये अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, ईद मुबारक। ये फोटो खींची है, ये भी नमाज तरावी में पुरानी नमाज का शर्फ हासिल किया। अल्लाह करीम अपने वादे के मुताबिक और अपनी शान करीबी के लायक हर। तो गाइस मस्जिद हम पहुंच चुके हैं और चाचू और कज़न जो हैं वो गाड़ी पार्क अभी कर रहे हैं। बहुत प्यारा इस वक्त मंजर हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो मस्जिद के अंदर हम दाखिल हो गए और यहाँ का मंजर चेक कर सकते हैं। इस बार इसमें शक नहीं है, कुरान करीम, बेशक ये कुरान करीम है। इसको बहुत बातें हैं बड़े इख्तिसार के साथ। इसको कुरान करीम इसलिए कहा कि रब्बे करीम ने इसको नाज़िल फरमाया। ये कलाम अल्लाह ताला है, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक की तरफ से नाज़िल शुदा है। तंजील मिन रब्बिल आलमीन, ये किसी अंजमन ने या किसी मुसन्निफीन के ग्रुप ने या किसी एक इंसान ने इसको अपने ज़हन से नहीं तराशा है, बल्कि ये कलाम अल्लाह मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, वो कलाम मजीद जो हमने अपने अब्द मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारिश शुरू हो गई। तो गाइस ईद की नमाज हमने पढ़ ली है और बाहर जो है बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई है, तो हम अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। बारिश जैसे ही हल्की होती है तो फिर हम निकलते हैं घर की तरफ। वैसे हमने कब्रिस्तान जाना था दादा दादी की कब्र पे, लेकिन शायद बारिश की वजह से हम ना जा पाएँ या ख़त्म होती है, तो वहाँ पे जाके फिर आपको दिखाते हैं।
गाइस हम कब्रिस्तान में आ गए हैं, बारिश हो रही है हल्की हल्की, लेकिन बस जरा जरूरी था दादा दादी की कब्र पे आना। और कीचड़ काफी हुई भी है, हालत खराब हो रही है नीचे से। أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا तो गाइस दुआएं वगैरह हमने कर ली हैं और बस अब घर जा रहे हैं। तो आज का व्लॉग करके यहीं पे ख़त्म। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई फरहान सिद्दीकी, अल्लाह हाफिज़।